सुबह सुहानी मीठी है शाम अयोध्या की, सीता है शान राम है पहचान अयोध्या की। जितना सुनोगे उतना ही डूबते जाओगे, बहुत मधुर है जुबान अयोध्या की। श्री राम की नगरी दिन दोगुनी रात चौगुनी कर रहा है। अरे भाई, अप्रैल तक यहाँ श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। एयरपोर्ट के रनवे का काम 65% और बिल्डिंग का काम 47% तक पूरा हो चुका है। रनवे को नाइट लैंडिंग के आधार पर बनाया जा रहा है। पहले चरण में एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन में 193 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो रनवे 250 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा होगा। यहां से ATR-72 और Q-400 बोर्डियर एयरक्राफ्ट आसानी से उड़ान भर सकेंगे। एयरपोर्ट के रनवे का काम बेंगलुरु की विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जिम्मे है। 77.30 करोड़ की लागत से टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है, जिसका काम अप्रैल 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा और जुलाई 2023 के बाद यहां से 300 पैसेंजर की क्षमता वाले टर्मिनल का संचालन शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट पर 3 टर्मिनल बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि एयरपोर्ट पर 3 एयरक्राफ्ट के साथ एयरवेज भी रहेंगे। 3 चरणों में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में टर्मिनल भवन और अग्निशमन भवन का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 2250 मीटर रनवे का निर्माण होगा। दूसरे चरण में लंबाई को 2250 से बढ़ाकर 3500 मीटर की जाएगी। तीसरे चरण में लगभग 850 मीटर रनवे का निर्माण किया जाएगा। एयरपोर्ट का निर्माण 600 एकड़ भूमि में किया जाना है। 323 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को अभी तक सौंपी है। वैसे एक बात तो है, यातायात की सुविधाओं को लेकर यहाँ काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। रोड चौड़ी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, जो 2023 तक पूरा होगा। अयोध्या धाम बस स्टेशन को भव्य रूप दिया जा चुका है। इसी क्रम में करीब 240 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है। खैर, लगे हाथ आपको एक खबर और दे देते हैं कि अयोध्या दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों को क्रूज से धार्मिक स्थलों का नजारा देखने का मौका मिलेगा। 2023 के नवम्बर तक सरयू नदी में क्रूज संचालन शुरू हो जाएगा। इससे यहाँ के पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। सोलर क्रूज के निर्माण से गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की मूर्ति के पार्किंग स्थल के पास की भूमि का चयन किया गया है। इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के निर्देश हैं। वैसे हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें पहला नाम चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लखनऊ में है। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि वाराणसी में है। तीसरा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि कुशीनगर में है। और चौथे नंबर पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब पांचवें नंबर पर आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। पर अयोध्या से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।